work till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Hello, welcome to IMS. आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स है. इस जो अपना जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग है उसका ये नेक्स्ट टॉपिक है. और इसमें दो टाइप के आते हैं अपने टॉपिक. एक तो पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन आता है और दूसरा इंडियन साइज क्लासिफिकेशन सॉइल क्लासिफिकेशन करके आता है एक दो, है ना, ISC और एक ही पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन. ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये ऊपर ऊपर से पढ़ने लाया गया. ये मतलब अगर इन तो थ्योरी है थोड़ा सा और थोड़ा सा ध्यान देने भी ये अपना काम हो जाएगा पूरा पूरा, है ना. इसमें ज़्यादा कोई दिखने का ज़्यादा चीज़ नहीं होती इसमें. तो पार्टिकल साइज में से क्या होता है कि हर एक जो अपना क्ले सिल्ट सैंड ये ग्रेवल और ये कोबल बोल्डर ये जो भी है ना ये एक साइज में पर्टिकुलर किए गए हैं कि भाई इस साइज से लेके इस साइज तक इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स मिलेंगे ना आपको वो इसमें माने जाएंगे, है ना. जैसे कि अपना जो 2 माइक्रोन है, 2 माइक्रोन से नीचे वाले जितने भी डायमीटर के पार्टिकल्स होंगे ना उनको क्ले हो जाएगा. और फिर सिल्ट जो होगा 2 माइक्रोन से जो 0.1 ये 2 माइक्रोन से जो डी है उसका ऐसे ये 75 माइक्रोन जो होगा ये सिल्ट का वो रीजन होगा. ये भाई इससे अंदर जो भी आएगा ना सिल्ट आ सकता है इसके नीचे, ठीक है. यहाँ से 2 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन तक जो आएंगे वो सिल्ट के लिए आएंगे. और सैंड के लिए कैसे आएंगे भाई, अपने सैंड के लिए 75 माइक्रोन से लेके 4.75 माइक्रोन तक आएंगे. इसमें फाइन मीडियम कोर्स भी है इसके लिए, सैंड के लिए भी, सिल्ट के लिए और ग्रेवल के लिए भी है. इसमें ऐसा आता है कि ये जो भी साइज दे रखी ना ये साइज सीव की दे रखी है, जिस सीव में इनको टेस्ट किया जाता है, जिस सीव में इनको क्लासिफाई किया जाता है. बस सीव के हिसाब से, हर एक सीव के हिसाब से इनको क्लासिफाई किया जाता है. और सीव जैसे जैसे सीव में लगाएंगे वैसे वैसे इनके आंसर्स निकल वैसे वैसे इनको पता जाएगा, ठीक है भाई. अपना जो सैंड, अगर सीव के अंदर सैंड अगर 75 और इसके बीच में रुक गए ना तो मतलब वो अपना सैंड आ गई. और फिर ग्रेवल में अगर 4.75 से लेके 80 mm तक अगर बीच के अंदर अपने जूते भी रुकेंगे, इसके ऊपर से लेके यहाँ से बीच में तक जूते भी रुकेंगे ना वो अपने ग्रेवल हो जाएंगे. फिर कोबल अपने यहाँ से हो जाएंगे. और फिर अपने जो बोल्डर होंगे वो डी जो भी होगा उसका डायमीटर वो 300 mm से बड़ा होगा तो वो अपना बोल्डर हो जाएंगे. तो ये होते हैं अपने पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन होता है जो अपना ऊपर ऊपर से ये 2 मिनट का काम होता है, देखा जाए तो 2 मिनट की वीडियो बनी है एकदम. ये पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन कहते हैं इसको अपन, है ना. ये दो, एक तो वो अपने अब नेक्स्ट अपना ISC है और पहला अपना ये. तो ये देखा जाए तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है. ये जो इसमें ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना ये थोड़ा ध्यान रखने वाली कि फाइन वाले कितने बनते हैं, मीडियम कितने बनते हैं, कोर्स कितने बनते हैं, सैंड मीडियम कोर्स. और ये क्ले के अंदर ना क्ले में इनके साथ साथ ऑर्गेनिक सैंड भी आ जाते हैं, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी आ जाते हैं, ठीक है. क्ले है, क्ले के साथ साथ ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी आ सकते हैं. 2 माइक्रोन से नीचे वाले ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी माने जाते हैं उसके अंदर भाई. उसमें होते कुछ मात्रा में मटेरियल्स होते हैं जो अपने 2 माइक्रोन से नीचे होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में अपन देंगे ISC. थैंक यू वेरी मच.